जनरल कयानी ने मार्शल लॉ की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मुल्क में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, ना ही फौज इख्तदार पर कब्जा करेगी। असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सदर की इतिहादियों से मुलाकातें और पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी के इजलास की सदारत। पार्लियामेंट वाला दस्त है, तमाम इदारे इसे जवाब दे हैं। रियासती इदारे एक दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत न करें, कोर कमेटी इजलास का मौका। महमूद कांजल केस में तमाम दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल। वो वक्त गया जब अदालतें गैर आईनी इकदामात की तौसीक करती थी, अब कोई टेक ओवर नहीं होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जमहूरियत को बचा सकते हैं, पीपल्स पार्टी के जनाजे को कंधा नहीं दे सकते। नून लीग के रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत को असेंबलियों से मुस्तफ़ी होने की तजवीज दे दी। MQM ने पार्लियामेंट में सराय की सूबे की करारदाद पेश करने का ऐलान कर दिया। अल्ताफ हुसैन कहते हैं मुल्तान में जलसा करके सराय की धरती पर कदम रख दिया। तहरीक इंसाफ को कराची में 25 दिसंबर को मजार कायद के सामने जलसे की इजाजत मिल गई। IG सिंध का कहना है कि जलसे में दहशत गर्दी का खदशा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान करेंसी के तबादले समेत 6 माहिदों पर दस्तखत। तजारत और इक्तसादी तआवुन के माहिदों पर 5 साल की तौसी। लाहौर समेत मुख्य शहरों में बिजली की तवील गैर ऐलानिया लोड शेडिंग, गैस के दबाव में भी शदीद कमी। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर मुजाहिदीन ने पुलिस वैन को आग लगा दी। कराची के इलाके शादमान में गैर मुल्की मोबाइल कंपनी के फ्रेंचाइज में फायरिंग, 2 अफराद जां बहक। वक्त न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। मिस्र के तहरीर स्क्वायर में हजारों अफराद की एहतजाजी रैली, फौजी हुकूमत से फौरी इकदार की मुंतकली का मुतालिबा। और मलका तरन्नुम, नूरजहां को बिछड़े 11 बरस बीत गए। लाजवाल गीतों के बाइस वाद भी अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं।